गाइस, अभी हम लोग कन्नर घाट में आ गए हैं और काफ़ी जाम लगा हुआ है। आप देख सकते हो, मैं आपको इस वीडियो में जरूर दिखाऊंगा कि यहाँ पे काफ़ी जाम लगा हुआ है। अभी हम लोग कन्नर घाट में आ गए हैं और काफ़ी जाम लगा हुआ है। आप देख सकते हो, मैं आपको इस वीडियो में जरूर दिखाऊंगा कि यहाँ पे काफ़ी जाम लगा हुआ है। एक गाड़ी एक्सीडेंट होने के कारण मतलब यहाँ पे एक जाम लगी हुई है। आप इस वीडियो में हमारे यहाँ लगे रहें, मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। अभी जा रहा हूँ आगे, क्या नाम है, जाम लगा हुआ है, जो गाड़ी एक जगह एक्सीडेंट हो चुकी है नींद के कारण, मतलब उसका गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है। आप उसमें देख लेना, मैं आपको इस वीडियो में यही दिखाने वाला हूँ। और काफ़ी मतलब ये खाईदार घाट है। अभी तो इस समय क्या नाम है, ये इस समय यहाँ पे मतलब काफ़ी ऊंचा में हम लोग अभी हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं, बहुत ही खाई है और बहुत ही खतरनाक घाट है भाई। चलिए मैं आपको आता हूँ, वीडियो में दिखाता हूँ। आइए, काफ़ी लंबा जाम लग चुका है इधर। काफ़ी हद तक जाम लगा हुआ है और ये हमारा हमारी गाड़ी है। हाँ, ये कट करके डाल देंगे। काफी हद तक जाम लगा हुआ है। चला चला चला, नहीं नहीं, हाँ, अरे 2 मिनट खाली है, खाइया देख ले। तो जाम तो खुल गई है अभी, एकदम क्लियर रास्ता है। आप देख सकते हो, काफी खतरनाक घाट है भाई। आदमी को तो दिल दहल जाएगी भाई साहब वीडियो देखकर। ड्राइवर का भी फोटो ला अनिल का, ये गाड़ी चलाओ तो उनका ढंग से फोटो भाई साहब। ये खतरनाक घाट में किस हिसाब से गाड़ी चला रहे हैं, इनको देख सकते हैं आप। इधर मुड़ी करा हो, पीछे से कर देता था। गाना भी डाल दिया। ये बैटरी है भाई साहब, यहाँ पे ये बैटरी लगा हुआ है।
सौर ऊर्जा है, ये सारी जगह आपको सौर ऊर्जा मिल रही है। देख लीजिए आप, इतना लंबा चौड़ा सा सौर ऊर्जा है वो, जो कि सौर ऊर्जा से यहाँ पे बैटरी चार्ज होकर आदमी को मतलब यहाँ पे लाइन की लाइट के लिए मतलब आदमी को विद्युत का मतलब व्यवस्था मिले, इसके लिए यहाँ पे सौर ऊर्जा लगा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी हद तक धुंध पड़ रही है। यहाँ हम लोग कितनी ऊंचाई पे हैं आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। यहाँ पे ये देख लीजिए मंदिर, वो छोटा सा मंदिर है आपको जो दिख रहा है, ये कोई मंदिर है। अंदाजा लगा सकते हो हम लोग कितने हाइट पे यहाँ पे गाड़ी चढ़ी हुई है पहाड़ पे, और काफी हाइट यहाँ पे ये पहाड़ है। और हम लोग अभी काफी ऊंचाई पे भी इस समय हैं, और ये आप ये देख सकते हो कि ये कितना मतलब खाली बस पट्टी के एक बाहर गया टायर भाई साहब, गाड़ी ट्रक वाले का मतलब कोई चाहे ट्रक हो चाहे कोई भी गाड़ी वाला हो बच ही नहीं सकता भाई साहब, क्योंकि सीधा नीचे, उसके बाद कोई जवाब ही नहीं, सवाल ही नहीं है बचने का। धन्यवाद आप। देख लीजिए साहब ये मंदिर का ये फोटो ले लेता हूँ, ये देख लीजिए हमारे हनुमान जी, ये महादेव मंदिर है भाई साहब। महादेव मंदिर तो ले लिए भाई साहब, और इस समय देख लीजिए काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ पे, काफ़ी हद तक सुंदर नज़ारा है। और ये सुंदर नज़ारा आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी। और यहाँ पे हमारी यहाँ फोर व्हीलर सब जा रही है, देख लीजिए हमारी सब फोर व्हीलर है। कमेंट करके बताना भाई साहब क्या, अगर आपको इसमें अगर कुछ बात गलत है या चाहे झूठ हो आप उसमें बताना, इसमें हमने क्या झूठ बोला है। बाएं मत दबाइए भाई साहब, बाएं कितनी गाड़ी हमारी चल रही है देख सकते हो आप, एकदम चीन के कगार पे चल रही है। भाई साहब ये इस जगह पे आप देख सकते हो, वो सामने में हाईवे है, वहीं पे हम लोग ये सड़क उतरेगी गाड़ी, वो आप देख सकते हो वही लंबी, यहाँ से आपको नीचे हम लोग को यहीं उतरना है भाई साहब। ये हमारे बंदर भाई साहब है, हेलो भाई साहब, ओ भाई साहब हेलो हेलो।
और भाई साहब क्या हाल है? शीशा देख रहे हो? और सब ठीक है? भाई साहब ये देख लीजिए, ये देख लीजिए भाई साहब, यहाँ पे देखिए कोहिनूर हीरा है भाई साहब, एकदम कोहिनूर हीरा है, देख लीजिए भाई साहब, गजब की जगह है भाई साहब, ऐसी जगह देखने के लिए नहीं मिलेगी आपको। आप देख लीजिए इस वीडियो में जो खतरनाक आप जगह हमारे यहाँ वीडियो में इसमें आप देखेंगे भाई साहब, आपको कहीं वीडियो नहीं दिखेगी भाई साहब, ये खतरनाक सीन आपको कहीं नहीं मिलेगी भाई साहब, क्योंकि एकदम किनारे ट्रक की चलती हुई भाई साहब, एकदम खतरनाक घाट, जो कि यहाँ पे आप अच्छे अच्छे ड्राइवरों की गाड़ फट जाती है भाई साहब। ये सीन देख लीजिए, ये सीन आपको देखने के लिए जरूर आप हमारे वीडियो को जरूर देखते रहिएगा भाई साहब, क्योंकि ये सामने देख लीजिए, ये पट्टी है और ये क्या नाम है, ये खाईदार घाट, बहुत ही खतरनाक घाट है भाई साहब। इस वीडियो में तो भाई साहब हमारी तो गाड़ फट जाएगी भाई साहब गाड़ी चलाने में। ये देखिए भाई साहब, इनकी बहुत ज़्यादा जल्दी है भाई साहब, आप देख लीजिए, इन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी है, देख लीजिए। बाइक वाले तो भाई साहब ऐसे ही गाड़ मराते हैं, इनके चक्कर में कोई भी आदमी गाड़ मारा जाएगा। ये देखिए भाई, इको पॉइंट है, इको पॉइंट, तुझे मेरी समझना हमारी इस वीडियो में आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि भाई साहब ये हमारी गाड़ी है, अभी हम लोग ये खाईदार घाट में जाएंगे भाई साहब, ये बहुत ही खतरनाक घाट है भाई, काफ़ी हद तक लंबा जाम लगा हुआ है भाई, और यहाँ पे काफ़ी हद तक जाम है भाई साहब, यहाँ पे बहुत ही जाम लगा हुआ है भाई, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे जाम लगा हुआ है भाई साहब। यहाँ पे गाड़ियाँ देखिए कतारों में खड़ी है भाई साहब, काफ़ी गाड़ियों की कतार खड़ी है, और ये बहुत ही खतरनाक जाम में फंसे हुए हैं भाई साहब। ये क्या कारण से जाम लगा हुआ है ये भी देख लीजिए, गाड़ी टर्निंग पे बैठ नहीं रही है, इसके लिए जाम लगा हुआ है, और ज़रा सा टर्निंग, एक टर्निंग आदमी को दिक्कत दे सकती है भाई साहब। इस टर्निंग पे आपको देख लीजिए, बस वाले ने गलत रास्ते पे आने के कारण, मतलब ये बस वाले यार इतना हड़बड़ी हो जाता है लोगों को, जितना जल्दी हो जाता है कि वो उन्हें मतलब तुरंत भगाना है गाड़ी, जैसे लग रहा है कि उन्हें गाड़ फट रही है भोसड़ी के बैंड चोत है, बहुत जल्दी है इनको। देख लीजिए वीडियो में क्या नाम है, इन लोग को मतलब एक रास्ते में नहीं चल सकते, इनको ज़्यादा जल्दी है। ये हमारा भाई साहब गाड़ी आ रही है, आप देखते रहिए, ये हमारी गाड़ी आ गई भाई, अभी तो मैं गाड़ी में आ गया भाई साहब। आपने इस वीडियो में ज़रूर देखा होगा कि मतलब वहाँ पे एक बस वाले ने बस वाले यहाँ पे मतलब गलत रास्ते से मतलब रॉन्ग साइड से घुस गए थे, उस कारण जाम लग जा रही है। इन लोग बस वाले को मतलब थोड़ा सा भी सोचना चाहिए कि भाई कि अगला व्यक्ति इतना मतलब एक लाइन से उतर रही है गाड़ी, उस बीच में हमें नहीं घुसना चाहिए, मगर ये लोग भाई साहब
एकदम मतलब क्या बताएं भाई उन लोग के बारे में, इन लोग इतनी जल्दी हो जाती है भाई साहब कि वो मतलब अपने साथ में इतना पैसेंजर लेते हुए चल रहे हैं, कहीं बाई चांस उधर से गाड़ी उतर रही है काफ़ी स्पीड में हो, अगर कोई बाई चांस दुर्घटना हो जाए तो उसमें आप बता सकते हैं कि मतलब उन सब पैसेंजरों की क्या हालत होगी, उनके परिवार वाले मतलब क्या सोचें। भाई साहब ये कन्नड़ घाट है और इसमें आप देख लो काफ़ी हद तक जाम लगा हुआ है और यहाँ पे एक्सीडेंट भी जो हुआ है मैं आपको दिखाऊंगा, आप लोग काफ़ी दिल दहल जाएगी भाई ये वीडियो देख के आपको। ये टर्निंग देख लीजिए भाई, आप लोग टर्निंग देख के आप लोग की हालत पंचर हो जाएगी भाई, अगर आप कभी इधर कार रोड लेके आते हो तो आपको भी लगभग ब्रेक लेकर ही उतारना होगा। देख लीजिए कार किस हिसाब से निकल रहा है। खाई खाई का आनंद लीजिए भाई साहब, कितना तगड़ा खाई है। यही देखिए यहाँ पे भाई गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, आप इसमें देखिए अभी तक गाड़ी नहीं ये एक्सीडेंट नहीं हुआ है, सॉरी भाई यहाँ पे गाड़ियों को रोक के रखा गया है कि भाई उधर से गाड़ी उतर रही है, इसके लिए गाड़ी यहाँ पे रोका गया है, बीच में हम लोग गाड़ी को रोका जाएगा टर्निंग के, भाई टर्निंग के लिए गाड़ी पे रोका गया है, बस यही दिक्कत है और कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। काफी बहुत ही खराब घाट है भाई साहब, ये आप इस वीडियो में दिखाता हूँ मैं आपको, हैदर घाट बहुत ही तगड़ा घाट है भाई, नहीं
नीचे कोई आदमी अगर खड़ा रहे तो कोई मालूम ही नहीं चलेगा कि भाई कोई यहाँ पे आदमी खड़ा है। भाई साहब ये खाईदार घाट काफी खतरनाक घाट है भाई। भाई साहब ये वीडियो रुक जा, भाई साहब ये बहुत ही खतरनाक घाट है और यहाँ पे तो भाई बाइक वाले को आना तो अलाउ ही नहीं है क्योंकि ये खतरनाक घाट है। यहाँ पे ट्रक वाले भाई साहब कभी नींद में कभी कहाँ कैसे आदमी आ जाते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही खतरनाक घाट से परेशान हो जाते हैं आदमी। ड्राइवर साहब को क्योंकि पीछे में भी बोलता है खतरनाक जाबाज ड्राइवर है, नहीं लिया था क्योंकि गाड़ी चला रहे हैं। हमारे जाबाज अनिल सिंह अनिल ड्राइवर हैं, अनिल यादव, ये बहुत ही खतरनाक ड्राइवर हैं जो कि इस घाट में इनकी हिम्मत काम कर रही है कि गाड़ी चला रहे हैं, नहीं तो हम लोग की दोनों लोग की गाड़ फटी पड़ी है कि भाई साहब हम लोग गाड़ी नहीं चला रहे हैं क्योंकि हम लोग की हालत पंचर है भाई। ये घाट पे गाड़ी देखो एकदम किनारे पे गाड़ी चल रही है और बगल में खाई है भाई, आप देख सकते हो इस वीडियो में। क्या नाम है भाई साहब, ये देखिए हनुमान जी हैं, मोबाइल में छीन लिए रे भवा, देख लीजिए ये हनुमान जी यही हैं, ये हनुमान जी के सेना है भाई साहब, देख लीजिए हमारे सेना के वीडियो बनाने वाले ही भाई साहब हैं। भाई साहब ये घाट देख लीजिए भाई, कितना खतरनाक घाट है यहाँ पे।
बहुत ही खतरनाक घाट है भाई। ये घाट पे तो आप लोग को दिल दहल जाएगी भाई साहब। काफी धुंध पड़ रही है यहाँ पे आसपास और हम लोग की गाड़ियाँ यहाँ से उतर रही है। काफी हद तक यहाँ पे धुंध पड़ रही है, आप देख सकते हो। एकदम बगल करीब में भाई गाड़ी एक इंच की फासला हमें बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है भाई। अभी इस समय हम लोग ये धुलिया के पास में, यहाँ से धुलिया 71 किलोमीटर दूर पे है भाई। यहाँ पे सलाम की छत पर रहना चाहिए। भी सीन आवत एक नंबर से, नीचे का भी सीन आवत। भाई साहब ये तो फोटो बनता है। बहुत ही खतरनाक यहाँ पे ड्राइवरी होती है भाई। अच्छे अच्छे ड्राइवरों की हालत पंचर हो जाती है इस घाट में आने के बाद। आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे वीडियो को करीबन 1 मिलियन तक आप पहुँचाइए। 1 मिलियन सपोर्ट करिए हमें, लाइक सब्सक्राइबर और व्यू करें ताकि हमें भी, हम सब इतना ड्राइवर सब इतना मेहनत करते हैं और ये हमारे मुल्ला जी हैं सुबह सुबह चबा रहे हैं पता नहीं क्या। भाई साहब जो भी अगर यहाँ पे अगर कोई ड्राइवर देख रहा है इस वीडियो को तो कृपया एक लाइक जरूर करना भाई, क्योंकि ये खतरनाक घाट भाई बहुत ही खतरनाक घाट है। आप देख सकते हो यहाँ से दूर तक दिख नहीं रहा है, कोई आदमी नहीं दिख रहा है, कोई जीव जंतु नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ से गाड़ी भी अगर नीचे कहीं पलट जाए तो आदमी का कोई था पता नहीं चलेगा। जो कोई भी अगर इस वीडियो को अगर कोई ड्राइवर या कोई भाई बंदे देख रहे हैं भाई तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना भाई। यहाँ पे बहुत ही खतरनाक घाट है भाई। ये घाट पे भाई साहब ये घाट पे आदमी की हालत मंचल हो जाती है भाई। ये आप देख सकते हो काफी मतला काट के रोड को आराम लेते रहिए। मिलते हैं समय के बाद। काफी लंबा वीडियो हो चुका है। देख सकते हो, मैं दिखाते रहूँगा।
देख लीजिए भाई साहब, यही गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है। कब से इसी की वीडियो के लिए ले आ रहा था ये। बहुत ही दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ है भाई, पूरी गाड़ी जल चुकी है। गाड़ी ज्यादा तीव्र गति के होने के कारण मतलब ये गाड़ी पलटी हुई है। नहीं ना चले जा। पूरी तरह से गाड़ी की दुर्दशा हो चुकी है भाई। कौन से हिसाब से ड्राइवर गाड़ी लेके आया होगा, मेरे ख्याल से तो ड्राइवर बचा ही नहीं होगा। इसी के लिए काफी से देर से जाम लगा हुआ है। जरा सा ड्राइवर लापरवाही करते हैं उसपे क्या है कि घटना होने की चांस होती है भाई। हम तो कहते हैं कि कोई भी ड्राइवर जल्दबाजी न करके सावधानी से चले। भाई साहब ये भी देख लीजिए, क्या नाम है, ये कार वाले को ठोक दिया है पूरी तरह से, ये ट्रेलर वाला। भाई एक्सीडेंट जो हुआ है वो कारण क्या है कि मतलब ज़्यादा तेज गाड़ी थी और ब्रेक फेल होने के कारण मतलब वो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी। आदमी को अपना भाई ब्रेक का प्रेशर चेक करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि भाई कभी भी दुर्घटना हो सकती है। वो दुर्घटना होने का भाई दुर्घटना तो कोई भी कारण से हो सकती है भाई, मगर अगर आदमी को अपने सतर्क रहना चाहिए कि भाई हमें गाड़ी खड़ा कर देना चाहिए, चाहे नींद में हो तो आप नींद में होने से भी आदमी का एक्सीडेंट होने का कारण होता है भाई। आदमी आप अपने से भाई सुरक्षा रखें, और हमारे मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने सावधानी रखेंगे तो आप अपने परिवार बाल बच्चे को अब अपना समय दे सकेंगे और आदमी को अपने सुरक्षा रखना चाहिए। और वीडियो में आपको यही देखा रहा था भाई, अगर आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर कमेंट करना और वीडियो में अंत तक बने रहना। और हमारा वीडियो आपको ऐसे ही नया नया नई नई तरह का वीडियो लेके आएंगे। और अभी मैं पहाड़ का भी वीडियो डाला हूँ, घाट का, वो घाट का वीडियो आपने देखा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना भाई, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलना। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, जय भारत।